सरकार वीक है तभी तो पेपर लीक है। ये सरकार पूरी तरह से विफल साबित हो गई है। सरकार नाम की देश के अंदर कोई चीज नहीं बची है। इस अहंकारी सरकार का अहंकार तोड़ने निकले हैं। इस बार आम चुनाव में जनता ने इनका अहंकार तोड़ने का काम किया है। और इस देश की गूंगी बाहरी सरकार को चेताना चाहते हैं। भाजपा सरकार में इस निकम्मी भाजपा सरकार में पेपर पे पेपर लीक होते जा रहे हैं। इसकी सरकार किस स्तर तक काम कर रही है और जो नकल माफिया है वो किस तरीके से हावी है। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आप मेरे पीछे ये सैलाब देख सकते हैं, जन सैलाब, और ये जन सैलाब संसद घेराव के लिए जा रहे हैं। आपको बता दें कि 4 जून को जो रिजल्ट आए, जिस दिन नेताओं के भाग्य तय किए जा रहे थे, उसी दिन बच्चों के भविष्य पर कुठाराघात किया जा रहा था और उसके बाद मामला शुरू हुआ नीट का। आपको दिखा दें, आप पर देश के हर कोने से कांग्रेस के लोग यहाँ पर संसद घेराव के लिए आए और सड़क से लेकर संसद तक कांग्रेस ने इस मुद्दे को खूब उठाया है। यहाँ लोगों से बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। सर, आप कहाँ थे, क्या मांगे हैं, कहाँ जा रहे हैं? आज हम युवाओं के हकों की लड़ाई लड़ने, उनके अधिकारों की बात को उठाने इस अहंकारी सरकार का अहंकार तोड़ने निकले हैं। इस बार आम चुनाव में जनता ने इनका अहंकार तोड़ने का काम किया है और जो बची कुची कसर रह गई है वो देश के युवा इन्हें सत्ता से बाहर करने का काम करेंगे। ये अहंकार में है, हर संस्थान में इनका कब्जा है। आरएसएस के लोग सारी संस्थाओं से, जब तक इन संस्थाओं का आरएसएस से मुक्त नहीं कराया जा सकता तब तक निष्पक्ष परीक्षाएं देश में होना संभव नजर नहीं आ रहा है। आप क्या चाहते हैं, एनडीए को पूरी तरह से रद्द कर दिया जाए? यस बिल्कुल, एनटीए लाई भी तो कांग्रेस ही थी। इस एनटीए रद्द करना बात नहीं है, बात यह है कि कहां पर चूक हुई है, उस चूक का आकलन करके सुधार की दिशा में आगे बढ़ने की जरूरत है। लेकिन कहीं पर भी सरकार उदासीन बनी हुई है। जो कांग्रेस लाई थी तो कांग्रेस उसको इम्प्लीमेंट भी ठीक से किया था। इन लोगों का कोई विजन नहीं है। ये लोग हमेशा अपनी संस्था, अपने विचारधारित लोगों को, अपनी संस्थाओं का हेड बनाने में व्यस्त है। इनको छात्रों के भविष्य के साथ कोई नजर नहीं है। तो आखिर अगर ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, ये इतना बड़ा सवाल है। देश के लाखों लाख युवाओं का भविष्य अंधकार में है, तो ये बहुत दुख की बात है। और सरकार के कान में जू नहीं लग रही है। हम सरकार को लगातार सवाल पूछने का काम करेंगे, आंखें दिखाने का काम करेंगे। संसद में देखा जा सकता है कि किस तरीके से राहुल गांधी हो या फिर तमाम विपक्ष के नेता हो, नीट का मुद्दा उठा रहे हैं, फिर भी आप लोग को सड़क पर उतरने की क्या जरूरत है? देखिए, लोकतंत्र में लड़ाई सदन में, सड़क पे, सब जगह लड़ी जाती है। और ये जरूरी है एक युवा संगठन होने के नाते कि हम युवाओं की भावनाओं को सड़क पर उजागर करने का काम करें। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, बड़ा जन सैलाब है और ये हर कोने से आए हुए लोग हैं यहाँ पर, और ये सीधे आगे बढ़ते हुए जंतर मंतर जा रहे हैं। वहाँ से ये संसद घेराव के लिए आगे बढ़ेंगे। क्या कहेंगे? इस देश में लगातार जिस तरीके से परीक्षाओं का पेपर लीक हो रहा है, किसान जवान परेशान है, इस देश का भविष्य अंधकार में है, तो लगातार इन्हीं मांगों को लेकर, चाहे वे हमारे आदरणीय नेता राहुल गांधी जी हो, वो लगातार संसद में आवाज उठा रहे हैं। और जो नीट का पेपर लीक हुआ है, उस नीट के पेपर को लेकर आज युवा कांग्रेस के हजारों कार्यकर्ता संसद का घेराव करना चाह रहे हैं और इस देश की गूंगी बाहरी सरकार को चेताना चाहते हैं कि अब की बार कांग्रेस पूर्ण बहुमत के, यानी कि अपने पिछले बहुमत से ज्यादा इस बार हमारे सांसद लोग इंडिया गठबंधन के चुनकर आए हैं। और सरकार को विपक्ष जब मजबूत दिख रहा है तो कहीं ना कहीं सरकार को हमारी मांग माननी पड़ेगी। और आदरणीय राहुल गांधी जी जिस तरीके से विपक्ष के नेता बनाए गए हैं, वो आवाज़ को मजबूत करने का काम करेंगे। इस देश के लाखों करोड़ों युवाओं की आवाज़ को बुलंद करने का काम माननीय हमारे राहुल गांधी जी संसद के अंदर करेंगे। तो यहाँ पर आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से तमाम लोग अलग अलग कोने से आए हैं। सर, क्या कहेंगे? देखिए, जिस प्रकार से भाजपा सरकार में, इस निकम्मी भाजपा सरकार में पेपर पे पेपर लीक होते जा रहे हैं, उसके विरोध में आज सभी युवा यहाँ पर, उत्तराखंड से सारा युवा इस तानाशाह सरकार के खिलाफ हल्ला बोलने दिल्ली पहुंचा है। और जिस प्रकार से नीट एक देश की प्राइम परीक्षा है, जो युवा हल्ला बोलने नहीं, जश्न मनाने जा रहे हैं। देखो, युवा पूरे जोश में है, युवा पूरा आक्रोशित है, और आज ये युवा इस तानाशाह सरकार की बैरिकेडिंग को यहाँ पर तोड़ने का काम करेगा। तो यहाँ पर देख, ये यहाँ पर ये तस्वीर, ये युवा इस तानाशाह सरकार की ईंट से ईंट बजा देगा। ये उत्तराखंड का युवा है, ये उत्तराखंड का मेहनती युवा है। और ये भीड़ जो है जंतर मंतर की तरफ जा रहा है, वहाँ से संसद घेराव के लिए ये आगे को बढ़ेंगे। ये सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं और जिस तरीके से
लगातार राहुल गांधी हो या फिर विपक्ष के तमाम नेता हो, संसद में पप्पू यादव हो या फिर हर कोई जो है विपक्ष के नेता लगातार नीट के मुद्दे को संसद में उठा रहे हैं और अब ये सड़क पर भी दिखा रहे हैं। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से सड़क से लेकर संसद तक नीट का मुद्दा उठाया जा रहा है। और ये रैली देखिए, सामने ब्रजभूषण शरण सिंह का घर है, यहाँ तक जो है ये पहुँच चुके हैं। क्या कहेंगे सर, कहाँ जा रहे हैं आप लोग? देखिए, सरकार जो है पेपर कराने में बिल्कुल विफल है। पिछले 5 सालों में आप देखिए कि उत्तराखंड से लेकर राजस्थान से लेकर हर स्टेट में पेपर लीक हुआ है, तो ये पूरा स्कैम है, ये हजारों करोड़ का व्यापार है। आप देखिए, जब नीट, जेईई मेंस, यूपीएससी जैसे एग्जाम लीक हो रहे हैं, नीट कितना टॉप लेवल का एग्जाम है, उत्तराखंड में 4-4 भर्ती परीक्षाओं के एग्जाम रद्द हुए, जिसमें मैं भी प्रतियोगी था, मैंने भी जेईई का पेपर दिया था। तो आप सोच सकते हैं कि देश की सरकार किस स्तर तक काम कर रही है और जो नकल माफिया है वो किस तरीके से हावी है। संसद में तमाम नेता जो है विपक्ष के वो लगातार आवाज उठा रहे हैं, फिर भी आप लोग सड़क पर क्यों उतर रहे हैं, क्या जरूरत है? देखिए, जो लोकतंत्र है उसमें जनता का सड़क पर उतरना जरूरी है, क्योंकि जो चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं वो अपना कार्य संसद पर उठाकर कर रहे हैं, लेकिन जो हमारा कार्य है, हम जनता है, हमारा कार्य सड़क पर उठाना है, सड़क पर आवाज को उठाना है, क्योंकि वही आवाज संसद तक पहुंचेगी। आज क्या कुछ करने जा रहे हैं? सरकार वीक है तभी तो पेपर लीक है। सरकार युवाओं के भविष्य के साथ लगातार खिलवाड़ करने का काम कर रही है और युवा पूरे देश के युवा परेशान है। बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, ये सरकार पूरी तरह से विफल साबित हो गई है। सरकार नाम की देश के अंदर कोई चीज नहीं बची है। ऐसी निकम्मी सरकार को हम सब लोगों ने मिलकर उखाड़ फेंकने का संकल्प लेना है। उखाड़ फेंक रहे हैं सरकार, तो तीसरी बार उन्हें की मांग है। देखिए, जनता लगातार इनके अत्याचार से परेशान है। इन्होंने छल कपट करके देश की जनता का मत जरूर बड़े मुश्किल से हासिल किया है, लेकिन जनता आने वाले समय में इनको उखाड़ फेंकने का काम करेगी, क्योंकि लगातार युवाओं के भविष्य के साथ कुठाराघात हो रहा है। तो ये लगातार बता रहे तमाम लोग, जिससे भी बात करो हर किसी का यही कहना है कि देश के भविष्य के साथ, देश के युवाओं के साथ जो कुठाराघात हो रहा है, उनके भविष्य पर हो रहा है, उसको लेकर जो है ये लगातार विपक्ष और तमाम जनता भी सड़क पर है, उतर चुकी है और लगातार नीट की मांग कर रही है, री नीट कराने की मांग की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए कि कुछ बच्चों के पेपर दोबारा से कराए जाएंगे, लेकिन मांग ये है कि सभी 24 लाख जिन बच्चों ने परीक्षा दिया था, उन सभी के पेपर दोबारा किए जाने चाहिए। और इसी मांग के साथ लगातार संसद हो या सड़क हो, हर जगह ये आवाज उठ रही है, बच्चों के भविष्य की बात की जा रही है। और अब ये संसद घेराव के लिए जा रहे हैं, ये सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त जंतर मंतर पर पहुंच चुके हैं और ये आगे जो है ये लगातार प्रदर्शन बढ़ रहा है। इस पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ ड्यूटी गिरी, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।